बैक टू माई चैनल. आई एम डॉक्टर दीपा हियर. एंड सबसे पहले तो मैं दुआ करती हूँ कि आप सबकी हेल्थ बहुत सलामत रहे. आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घर पे सुरक्षित हो. आप सबको जैसे पता है कि हम 2 साल से इस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ काम ले तो हम इसके ऊपर मात जरूर कर सकते हैं. अभी हालांकि जो सिचुएशन है, ज्यादा क्वांटिटी में लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं इस कोरोना से, लेकिन उतनी ही ज्यादा रैपिडली वो लोग रिकवर रेट भी बहुत अच्छा है. वजह से टचवुड, हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ कुछ चीजों का अगर हम घर पे ही बैठे बैठे ख्याल रखें तो हम ये कोरोना वायरस से फाइट करने ऑलवेज हम लोग रेडी रहेंगे. अभी घर बैठे बैठे क्या आप कर सकते हो, हमारा जो डेली रूटीन का जो खान पान है उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है. आपके रोजमर्रा के खाने में आप ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें. ये सिट्रस फूड इन द सेंस आंवला हुआ, लेमन हुआ, नींबू हुआ, मौसम्बी, संतरा, ये सब चीजों का सेवन ज्यादा करें. एंड बेरीज का बहुत ज्यादा सेवन करें. स्ट्रॉबेरीज हुआ, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरीज, ये बेरीज का सेवन ज्यादा करके, क्योंकि ये बहुत सारे इट्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल आप जरूर करें. एटलीस्ट दिन में एक बार तो आप अपनी मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट जरूर ले. खाने की बात करें तो आप वेजिटेबल्स में हरे पत्ते की भाजिया आप ले सकते हो. आप टमाटोज का ज्यादा सेवन करें, आप अनियन का सेवन, कैरेट हुआ, बीट है. ऑल दीज थिंग्स आर विद फुल ऑफ आयरन, विटामिंस एंड एंटीऑक्सीडेंट. और इसी तरह से एक एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ सबसे गुणकारी ऐसा काढ़ा मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने. 2 किस्म के मैं काढ़े लेके आई हूँ, क्योंकि ये काढ़े स्पेशली मैंने ऐसे मेरे फॉर्मूले से बनाए हुए हैं कि जो ना कि सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करेगा, लेकिन आपके हार्ट डिजीज, आपके लंग्स के इश्यूज, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम, फिर आपके यूरिन सिस्टम का भी, आपके यूरिनरी ट्रैक सिस्टम का भी ये बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा. आपके जॉइंट्स का, आपके अगर अर्थराइटिस है तो उसमें, अगर डायबिटीज है तो ट्रस्ट मी, इससे आपका डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा. ये 2 टाइप्स के काढ़े मैंने इसके लिए बनाए हैं. जो चाय लवर है मेरे जैसे, उनके लिए ये काढ़ा मैंने बनाया हुआ है. स्पेशली चाय के टेस्ट में ही है वो फ्लेवर में. और जो चाय नहीं पीना चाहते, जिनको चाय पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैंने ये हल्दी दूध काढ़ा बनाया हुआ है. आइए, चलिए ज्यादा देर नहीं करूंगी और चलिए देखते हैं इन दोनों की रेसिपी. बताया मैं 2 किस्म के काढ़े बनाने वाली हूँ. इट्स जो चाय लवर है उनके लिए मैं सबसे पहला काढ़ा बना रही हूँ. इलायची अपने और ये साबुत इलायची वो लेनी है विद स्किन. फिर क्लव्स आता है और ये लौंग, अखा दाना, जिंजर, अदरक और पाव घी. ये जैगरी पाउडर है, ये दालचीनी पाउडर है. हमेशा मेरे घर में मैं दालचीनी पाउडर बना के रख देती हूँ रेडी. कैन हैव दैट अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, उसे भी काफी बेनिफिट्स होते हैं. आयुर्वेदिक चाय पत्ती है, हनी इफ नेसेसरी. तो चलिए शुरुआत करते हैं. और 1 कप पानी का मेजरमेंट लेके मैं पहले पानी उबालने के लिए डालती हूँ पैन में. तो जब तक अपना पानी उबल रहा है तब तक हम, आपको मैंने ये जैसे बताया कि मैं साबुत इलायची ले रही हूँ, अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 इलायची ले रही हूँ. फिर लौंग को आप ज़्यादा ना लें, क्योंकि ज़्यादा वो बॉडी में हीट क्रिएट करता है. ट्राई करो कि 2 to 3 क्लव्स आप लें साबुत धना. इनको रफली क्रश करना है. मैंने ये सब चीज़ें ये साबुत इसके लिए ली हुई है क्योंकि वैसे भी एंड ऑफ द डे हमें फ़िल्टर करके ही ये काढ़े को पीना है. तो मेरा वाटर ऑलमोस्ट बॉइल हो गया है. सो आई एम पुटिंग दिस ना, बेस्ट अरोमा आना स्टार्ट हो गया है. सो अभी मैं अदरक को इसमें क्रिएट कर रही हूँ. अभी मैं उसमें दालचीनी पाउडर डाल दूँगी. अप्रॉक्सीमेट 1/2 स्पून दालचीनी का जाएगा. ये है तुलसी लीव्स, फ्रेशली मैंने प्लग किए हुए हैं. फिर ये मिंट लीव्स, जो स्पेशली मुझे खुद को मिंट बहुत पसंद है. कोई डायबिटिक है आपके घर में तो आप नीम का पत्ता भी ले सकते हो. एवरीबडीज पर्सनल चॉइस. यू जस्ट हैव टू वेट टिल एवरीथिंग गेट्स बॉइल्ड अप. इस तरह ये बॉइल हो चुका है, ही अच्छा अरोमा ये दे रहा है. सो नाउ अभी बारी आती है अपने चाय पत्ती की. 1 चम्मच ऑफ चाय पत्ती. ट्रस्ट मी गाइज, यू विल लव दिस चाय. जो लोग चाय नहीं भी पीते हैं ना, अगर वो एक बार भी ये काढ़ा पी ले
तो दे विल जस्ट गोइंग टू लव इट. बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है सब चीजों का. सो नाउ इट इज ऑलमोस्ट डन. भैंस को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए. अभी एक लास्ट टचिंग पार्ट आता है. मैं घी थोड़ा सा उसमें एड ऑन कर दूंगी. लास्ट शुद्ध देसी काउ का घी. टुडे लाइफ में देसी काउ का घी ऐड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वन स्पून अ डे फॉर एवरी पर्सन. हेल्प्स टू कीप द जॉइंट ये लुब्रिकेंट एंड इट हेल्प्स टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम. यस सो आवर काढ़ा इज ऑलमोस्ट डन. इसको अभी हम फिल्टर करके देंगे. काढ़ा कम चाय तैयार है. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड जैगरी. इसमें हनी भी प्रिफर होता है बट आई प्रिफर जैगरी पाउडर. तो ये ब्लैक जितना रहेगा ये जैगरी उतना ज़्यादा पौष्टिक है एज पर योर टेस्ट. दिस इज द बेस्ट चाय एवर. मस्ट ट्राई. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड काढ़ा नंबर दो. जिनको चाय पसंद नहीं है एंड जो चाय पीना पसंद नहीं करते उनके लिए दिस इज एंड मेडिकेटेड हल्दी मिल्क. तो हम लोग नॉर्मल हल्दी मिल्क लेते हैं वो नहीं है तो ये मेडिकेटेड हल्दी मिल्क है. तो इसके लिए अभी क्या क्या है. ऑलमोस्ट इन्ग्रीडियंट्स आर सेम. ये फर्स्ट इज साबुत इलायची. देन ये साबुत क्लोव्स है एंड ये धनिया है साबुत. तुलसी लीव्स है. घी है. हल्दी. दालचीनी पाउडर. जिंजर. यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा. यू शुड नॉट यूज ये जैगरी पाउडर क्योंकि बहुत बार दूध फटने का ये चांसेस रहता है. सो अवॉइड दैट एंड गो विथ हनी. नीम इफ यू वांट एंड ऑफ कोर्स मिल्क. नाउ कम ऑन लेट्स स्टार्ट. पैन को मैंने वॉश करके गैस पे ऑलरेडी मैंने चढ़ा दिया है. पैन जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाता है फ्लेम स्लो कर देना और उसमें आप कम क्वांटिटी ऑफ घी डाल दो. इसमें घी बहुत पहले जाता है. ये घी मेल्ट होने लगे इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देना और गैस को बंद कर देना. गैस को इसके लिए बंद करना है क्योंकि हल्दी जले नहीं एंड अच्छे से उसको रोस्ट करना घी में. जैसे ही अपना कलर हल्का चेंज हो जाए तो उसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा पानी. And now let it get boiled. तब तक हम हमारा आगे का काम कर लेते हैं. Again as usual, 4-5 ये साबुत इलायची, 2-3 क्लव और ये मेरे पास जिंजर के 2 टुकड़े हैं. And now let's just crush it roughly. Boil होना start हो गया. So you have to put all this. गैस को थोड़ा मीडियम कर लीजिए. And now as usual इसमें जाएंगे अपने तुलसी के पत्ते, फिर मिंट which is my very favorite, needed नीम का पत्ता. Let it get boil. इसको ऑलमोस्ट 1-2 मिनट तक अच्छे से ये बॉइल करना कि इसका वाटर निकल जाए. अभी आप देख रहे हो कि इसका वाटर अच्छी तरह से कम हो गया है काफ़ी हद तक. आई एम गोइंग टू ऐड थोड़ा सा दालचीनी पाउडर. ये दालचीनी के बारे में एक टिप आपको ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी. आप कभी भी कुछ भी स्वीट आइटम बना रहे हो या स्वीट डिश बना रहे हो तो जस्ट ट्राई कि उसमें आप एंड में थोड़ी सी दालचीनी डालें. उससे स्वीटनेस और एनहेंस होती है. सो इट्स अ नाइस टिप फॉर यू गाइस. एंड दालचीनी इज दी बेस्ट फॉर पेट लॉस. सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड मिल्क इन इट. ऑलमोस्ट इट इज डन. वाओ सी द कलर. दिस इज द बेस्ट हल्दी मिल्क एवर. अभी इसका उबाल आ जाएगा तो वी आर गोइंग टू पोर इट एंड उसके बाद उसमें हम 1 स्पून हनी डाल देंगे. हल्दी मिल्क इज ऑलमोस्ट डन. सो मैं गैस बंद कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू फिल्टर इट नाउ. एंड नाउ इसमें आई एम गोइंग टू ऐड हनी. आधे दूध काढ़ा कम चाय कम हल्दी दूध. एक चीज का आप ध्यान जरूर रखें कि इसमें आप जब भी हनी डालोगे तो ये हल्दी दूध एकदम ठंडा होना चाहिए. एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए. उसके बाद आप इसमें हनी डाल देना. में भी जैगरी ऑलमोस्ट वार्म रहता है एकदम गर्म रहता है उस टाइम पे नहीं डालना. थोड़ा सा इसको लुकवार्म हो जाएगी चाय आप तभी आप जैगरी डाल. सो गाइस कैसे लगा. आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत इजी लगी हो. अंदर मैंने जो इंग्रेडिएंट वो यूज किए है वो आपके घर में जरूर मिल. अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया हो तो आप ये वीडियो सेव कर सकते हैं एंड उसको बाद में आप वापस इसको देख सकते हैं. मी ऑन दिस. अगर ये आप काढ़े दिन में 2 बार पिए सुबह और शाम तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बॉदर नहीं कर सकता है. इसको सिर्फ ना कि पेंडेमिक में इसका इस्तेमाल करें बट इसको अपने लाइफस्टाइल में एड ऑन कर लीजिए. अपने रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में ये आगे हेंस फोर्थ आप यही अगर कंटिन्यू इसको पीते रहे तो ट्रस्ट मी आप लोगों को
डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, और ये खुद एक डॉक्टर बोल रही है. दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, एंड आई होप यू ऑल शुड बी फिट एंड फाइन. एज आई ऑलवेज से इन माई वीडियो एंड ऑफ द डे, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइज, एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.